बोर्ड को बोर्ड समझता है, वो आदमी तो नमस्ते है इस फील्ड में। अब ध्यान दो, तो हमें ये कोडिंग समझनी है, ये PM8005 ये पावर ऐसी है, तो हमें इसकी कोडिंग, हमें सब इसका नाम समझना है, हमें काम समझना है कि सर PO1 क्या होता है, GPIO क्या होता है, रेफरेंस बाईपास क्या होता है। सर ये कैपेसिटर ग्राउंड के साथ है, अभी ये कैपेसिटर हट जाए तो IC के साथ क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा। ये IC के साथ हट जाएगा तो क्या होगा? क्या तो यही सब सिखाने आपको यहाँ पर आया है। चलिए, अब खैर आज कोई क्लास नहीं है इसलिए ये सब बातें मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम किस लेवल पे सीखेंगे। अब ध्यान देना, अगर अब बात करूं कि यहाँ PCB में क्या क्या लगा हुआ है, तो अगर आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे, सब ध्यान देना, अगर तुम नॉर्मल तरीके से देखोगे ना, नॉर्मल तरीके से, तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। पर अगर तुम मेरे नजरिए से देखोगे तो तुमको केवल 3 चीजें दिखेंगी कि वो एक फॉल्स बोर्ड है, कोई कह रहा है कि कुछ भी है, मतलब कोई सही जवाब किसी ने नहीं दिया। और तुम्हें बताया कि वो बोर्ड खास तौर पर मलेशिया से बुलाया गया है, मतलब क्योंकि इंडोनेशिया में भी नहीं मिला, चाइना में भी नहीं मिला, खास तौर पर मलेशिया से बुलाया गया है। और वो बोर्ड का जानकारी केवल वो ही रख सकता है जिसको अपडेट मोबाइल 5G के रिलेटेड पता हो और जो क्वालकॉम के UFS चेंज करना चाहता हो। एक सीधी सी बात बताऊंगा, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमें मेन चाहिए, ये हमें इसका डायग्राम चाहिए। अभी जैसे बोले नहीं काटनी है, हाँ देख रहा, जैसे मान लीजिए ये हमने लेआउट खोला, देखो अब देखो 1+6 के ऊपर डायग्राम ही नहीं है, अभी कितने सेट आ रहे। हमने अभी लेटेस्ट ही 4 दिन पहले मैंने इनको और योगी पलास जो कि प्रथमा फिक्स के ऑनर है, मैंने उनको मैसेज किया कि सर 3 चीज ऐड कर दो तो तुम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हो, तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता। एक जियो की PCB ऐड कर दो, उसके GR वैल्यू नहीं है मार्केट में, उस पर बहुत हजार लोग काम कर रहे हैं आज भी पता नहीं क्यों। दूसरा उसमें ऐड कर दो 1+ के नए डायग्राम, PCB पैक, और तीसरा ICGR अभी तक ऐड नहीं कर, तो ICGR वो ऐड कर रहे हैं, 1 मार्च के बाद आपको ICGR देखने को मिलेगा, ध्यान देना। तो हमको ना, हमको क्या समझना है, हमको समझना है कि सर हमारे पास 1+7 है, क्या है जल्दी बोलो, काम करना और MMC को अपग्रेड करना और MMC को चेंज करना। कौन कौन सीखना चाहता है? लाइव अपने हाथों से, अपने हाथों से, यहाँ टीचर नहीं करेगा, तुम करोगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर डुअल डेकर की क्लास होगी 21 तारीख को मेरे साथ। डुअल डेकर कौन कौन अटेंड करेगा जल्दी बताओ, वोट हमारे तरफ से होंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं लाइव बोल रहा हूँ, नैंड ब्लैक पेस्टेड बोर्ड आपके रहेंगे, डुअल डेकर बोर्ड हमारा रहेगा, MOLED नैंड प्रोग्रामिंग करेंगे लाइव सेट में, जिसमें हम नैंड को चेंज करेंगे, नैंड को उठा के फेंक देंगे या कोई भी नैंड लगा के ये करेंगे कि वो ऑन होना चाहिए बकायदा, समझ में आ रहा है? पूरा समझेंगे कि नैंड पे कब काम किया जाता है, नैंड की रीडिंग क्या होती है, विदाउट नैंड क्या बोर्ड दिखाएगा, सब कुछ करेंगे, क्योंकि आईफोन भी बहुत बेसिक तरह से काम शुरू किया जा सकता है। तो आईफोन कोई कोर्स में था नहीं, पड़ी है, सिर्फ इनको एक गिफ्ट के तौर पे किया दिया जा रहा है, और इनको एक गिफ्ट के तौर पे, चलो मैं इनको दूंगा एक UFS क्लास, जिसमें UFS में है, मैं तुम्हें इतना क्रीम करूंगा, मैं तुम्हारे ISO के ऐसे पैड बताऊंगा, मैं तुम्हें ISO के वो पैड बताऊंगा जिससे बेसमेंट चला जाता है, मैं नेट्रो सेशन में गजब का क्रीम करूंगा। नेट्रो सेशन और ये डैश सेशन अपना गजब का है, नेक्स्ट लेवल में डैट सेट से डायग्नोस करेंगे, आप ही के सेट में लाइव बनाएंगे, जो भी सेट यहाँ पर होंगे वो भी ऐसे कचरे ऐसे सेट नहीं बनाएंगे, नॉर्मल से बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे एकदम भारी सेट बनाएंगे, जो लगे कि 10 जगह से बनकर आया हो, समझ आ रहा है मेरी बात? कोशिश यही रहेगी कि बस आपका बोर्ड खराब ना हो। तो अगर मैं बात करूं डैट के बाद में शॉर्टिंग की क्लास होगा, फिर सॉफ्टवेयर की क्लास होगी, सॉफ्टवेयर यहाँ पर दुर्गेश सर पढ़ाएंगे, तो एक बार दुर्गेश सर के जोरदार ताली दे दो भैया। और इसके बाद MMC प्रोग्रामिंग ब्लैक पेस्टेड जो कि MMC किंग बोलते हैं हम उनको, मिलन सर के लिए जोरदार ताली दे दो। तो वो तो खैर छोड़ो, तो यहाँ पर हमें हार्डवेयर सोल्यूशन की जरूरत नहीं है सर, हम तो हार्डवेयर सोल्यूशन में कमियां दिखाएंगे आपको। क्या दिखाएंगे? कमियां। हम तो वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बड़े बड़े टीचरों को बताएंगे ये गलती की तुमने यहाँ पर, या तुम एक चीज और बता सकते थे। हमें वो लेवल पे पढ़ना है मेरे भाई, ध्यान देना, तभी तो ये लेवल पे जो मैंने पढ़ाई मैंने शुरू से की है, मैंने कभी हिडन नहीं किया, मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि भाई जितना है पूरा क्यों दूं ये वगैरह वगैरह, नहीं तो मैं आज तक अगर बात करूं ये मुंबई का वकार या फिर दिल्ली का आंसू या फिरोज हैदराबाद का फिरोज, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट नहीं निकल पाता जो आज बहुत अच्छे टीचर्स बने हुए। कहते तो बहुत जगह जगह गए हैं, पर गए सिर्फ एक ही जगह, वो मेरे यहां से।
देख क्या, तो अगर मैं बात करूं इस तरह के माउंटेन सपोर्टिंग होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बोले कि सर इसके बाद पीसीबी में ना हम जब देखते हैं तो बहुत सारी लेयर्स दिखाई देती हैं, बहुत सारी। सो इन लेयर्स को कैसे होगा, क्या पढ़ाऊंगा? तो भी हर दिन पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? कोई भी चीज एक दिन में यहाँ खत्म नहीं, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वही कंपोनेंट ग्राफिक्स के साथ जुड़े हैं, वही कंपोनेंट टच के साथ, वही सीपीयू के साथ, वही पावर के साथ। यहाँ पर मैं अच्छा लास्ट एंड लीस्ट पावर बूट सिक्वेंस, दो आईसीओ का तो सबको मैं बोलता सारे इंस्टीट्यूट वाले पढ़ा देंगे, तीन और चार आईसीओ का पढ़ा। तो तीन चार आईसीओ का पावर बूट सिक्वेंस कौन कौन को पता करना है जल्दी बताओ। सीपीयू कौन पढ़ना चाहता है, सीपीयू को कैसे चेक करे? मैं चेक कराऊंगा, बहुत इजी। सीपीयू को चेक करना बताऊंगा मीडियाटेक कॉलकॉम, ये सीपीयू कैसे इनको पता करे। सीपीयू को बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास कि हम किसी भी बोर्ड में ये बता सकते हैं कि सीपीयू ओके है कि नहीं है, सिर्फ एक जम्पर से। कॉलकॉम के सारे बोर्ड में जिनमें हम बता सकते हैं कि सीपीयू ओके है कि नहीं ओके है। मीडियाटेक का सिक्वेंस बताएंगे तुमको कि किस सिक्वेंस से तुम्हारा सीपीयू ऑन होता है। खैर उल्टा ताली अपने लिए बना लो भाई, मोहम्मद सर, दीपक सर, पक्का? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। थैंक यू वेरी मच, चलो। आपने क्या करना है कि 15 तारीख तक जितना हो सकता है, अगर अभी कम है तो मंगवा लो। मैं चाहता हूँ अगर आपके बाद में जितना ब्लैक पेस्टेड के बोर्ड अभी है ले आओ, क्योंकि आपको अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि सर मैं कितना भी हार्ड हो वो निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर वीक निकाल रहा हूँ या पतला या 3G या 4G। मैं बोलता हूँ वीवो वन प्लस जो लगता है वो ले लो, कहीं से भी जुगाड़ कर लो। तुम्हारे पास कम से कम मोर देन 10 पीस होने चाहिए सिर्फ ब्लैक पेस्ट निकालने के, बहुत मजा आएगा। सीपीयू एमएमसी पूरा निकालेंगे इसमें, पूरा पेस्ट के साथ में, और एकदम मलाई जैसा निकालेंगे क्योंकि टेक्निक ही मलाई जैसी है। ठीक है, सारी चीज देखो मैं इतना बढ़िया तरीके से आपने ना डेट डायग्नोस, तो ऐसा लगेगा कि सर ये हमको पहले क्यों नहीं आया कि आपका सेट डेड है, कोई सॉर्टिंग नहीं है, कहीं पर भी कोई फूला नहीं है, कोई बहुत काम भी हो चुका तो भी कैसे चेक करना है, क्योंकि मैं हर आईसीओ का इन आउट के हिसाब से काम करता हूं। फिर डेट डायग्नोस के बाद हमारी दो क्लास चलेगी, हाफ सॉर्टिंग, फुल सॉर्टिंग, नैनो माइनो। ये वाली जो सेट सॉर्टिंग की क्लास चलेगी जिसमें हम सॉर्टिंग वॉर्टिंग निकाल लेंगे, ठीक है। इसके साथ सॉफ्टवेयर की क्लास चलेगी, ये बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसमें फ्लैशिंग और आपके ड्राइवर डालना, ये सारी यहाँ बेसबैंड आईएनई रिपेयर नहीं सिखाया जाएगा क्योंकि ये बेसिक सॉफ्टवेयर की क्लास होगी। बेसबैंड आईएनई रिपेयर करना सिखाया जाएगा, ध्यान देना, क्यों सिखाना भी जरूरी है। ये क्यों? क्योंकि आपको ना हम सिखाएंगे फिर एमएमसी, ये मेरा पूरा हार्डवेयर कंप्लीट करने के बाद सॉफ्टवेयर, फिर आपको एमएमसी प्रोग्रामिंग में आना है। मतलब अब आपको एमएमसी कैसे रिपेयर करनी है, अभी एमएमसी या एमएमसी डेड हो गया तो चेंज करना है हमें एमएमसी, क्या करना है बताइए? एमएमसी चेंज, मीडियाटेक, सैमसंग, कॉलकॉम, हर एक की सीखना एमएमसी चेंज फाइल। और ये क्लास पूरी मिलनसर की होगी जिसके साथ आपका ब्लैक पेस्टेड चलेगा, क्या चलेगा जल्दी बताओ। देखो ध्यान देना, ब्लैक पेस्टेड की बोर्ड तो हम देने नहीं वाले, तो आपने क्या करना है कि 15 तारीख तक जितना हो सकता है, अगर अभी कम है तो मंगवा लो। मैं चाहता हूं अगर आपके बाद में जितना ब्लैक पेस्टेड के बोर्ड अभी है ले आओ, क्योंकि आपको अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि सर मैं कितना भी हार्ड हो वो निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर वीक निकाल रहा हूँ या पतला या 3G या 4G। मैं बोलता हूँ वीवो वन प्लस जो लगता है वो ले लो, कहीं से भी जुगाड़ कर लो। तुम्हारे पास कम से कम मोर देन 10 पीस होने चाहिए सिर्फ ब्लैक पेस्ट निकालने के, बहुत मजा आएगा। सीपीयू एमएमसी पूरा निकालेंगे इसमें, पूरा पेस्ट के साथ में, और एकदम मलाई जैसा निकालेंगे क्योंकि टेक्निक ही मलाई जैसी है। ठीक है, सारी चीज देखो, सेट का काम रहेगा। 21 तारीख को मैं भी एक यहाँ पे डुअल डेकर का दिन रहेगा, बहुत लंबा क्लास है वो। यहाँ पर जो मैंने आईपीएस सेक्शन बनाया आपको, यहाँ पे एमओएलईडी पढ़ाऊंगा। मतलब यहाँ पर जितने भी एमोल्ड डिस्प्ले हैं, जो जैसे सैमसंग के हो गए या जैसे भी अभी जो वन प्लस है जिसमें भी आ रहे हैं, उसका लाइट और ग्राफिक्स पढ़ाऊंगा बिल्कुल ऑन बोर्ड में वोल्टेज निकालकर। बहुत मजा आएगा, बहुत ईजी है ये, मतलब सबसे ईजी ये लगता है पूरा इन सब में, ये लाइट और ग्राफिक्स में एमोल्ड का लगता है क्योंकि ये डेडिकेट वन आईसी के लिए।
मतलब किसी भी सेट में, कोई सा भी सेट हो, सैमसंग का, ओप्पो का, वन प्लस या कोई सा भी, अगर उसमें AMOLED डिस्प्ले लगा है, सुपर AMOLED या AMOLED या कोई भी जिसमें AMOLED LED डिस्प्ले है, तो मतलब समझो डेडिकेट एक ही आईसी है जो ग्राफिक्स भी है लाइट भी है, जो ग्राफिक्स भी है लाइट भी है। यहाँ तक दो दो आईसी हो सकती है, लाइट का अलग आईसी होगा, ग्राफिक्स का अलग आईसी होगा, क्योंकि वहां लाइट अलग बन रहा है, पर यहाँ एक ही को बनाना है, तो इसलिए ये बनाना बहुत ईजी है। इसके एक चीज यहाँ पे ऐड नहीं है जो मैं ऐड करवा दूंगा, मैं नेंड प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा उस दिन। क्या सिखाऊंगा? आईफोन की नेंड प्रोग्रामिंग। समझ में आ रहा है मेरी बात? देखो आप सॉफ्टवेयर में आईफोन फ्लैश करना सीखोगे, पर फ्लैशिंग के टाइम पर अगर आईफोन में आपको एरर आते हैं, जैसे 19 स्टक या 40-13 या जो भी एरर आता है, तो नेंड को रीप्रोग्राम करना, नेंड को चेंज करना, डैमेज नेंड को बदलना, इवन नेंड को अपग्रेड करना, 32 GB से 128 करना हो या 512 करना हो, और ये मैं लाइव करूंगा आपके सामने किसी एक आईफोन में, बढ़िया बड़े आईफोन में, आईफोन 6 से बड़े आईफोन में, आईफोन 7, 8 या X में, तो हम लाइव यहाँ चेंज करेंगे विद प्रोग्रामिंग, और ये प्रोग्रामिंग भी तुम आप ही से करवाऊंगा। समझ आ रहा है मेरी बात? बहुत इजी है, इसको मैं बेबी वर्ड बोलता हूँ आईफोन का, मतलब नेंड प्रोग्रामिंग बच्चे करते हैं आईफोन में, जो आईफोन के असली काम करते हैं टीचर वीचर या जो टेक्नीशियन है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को।